नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं हमारे जयपुर के मशहूर लड़ाकियों के बारे में, जिनको जिमने का बड़ा शौक था। चलिए चर्चा करते हैं इस बारे में। जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जितिन सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं एवं इतिहासकार हैं। जयपुर के ठाडे पानी की ही ताकत का कमाल था कि खाने के भोजन प्रेमी जीमने के लिए कई कोस तक पैदल चले जाते थे। शायद यहाँ की धरती के जोरावर पानी का ही कमाल रहा होगा। जितना खाते सारा हजम हो जाता। खाने के शौकीन तो बिना बुलाए धल्लड़े से जीमने के लिए पहुंच जाते थे। लोग इनको लड़ाकी कहते थे। माधो सिंह द्वितीय के राज में 40 साल तक जयपुर में जीमण के हेड़े यानी भोज होते रहे, तब भोजन प्रेमियों की मौज हो गई थी। इसके चलते लड़ाकियों का अच्छा खासा बोलबाला हो गया था। बिना बुलाए जीमण करने पहुंचने वाले लड़ाकी किसी एक जाति के नहीं थे। चोगणी यानी चार गुणा खांड के बने 500 लड्डू एक बार में गटक जाने वाले भी लड़ाकी खा करके डकार नहीं लेते थे। बड़े सेठ और राजा भी आए दिन बड़े भोज करते थे। तब शहर में लड़ाकियों की संख्या बढ़ गई थी। यहाँ के लड़ाकियों का इतिहास बहुत पुराना है। सवाई जयसिंह ने जब कई तरह के यज्ञ किए और यज्ञों के बाद जब भोज किया, तब लड़ाकी कनात फाड़कर घुस गए थे। आज भी कनात फाड़ों की गली उस भोज की याद ताजा करती है। ये कहावत भी मशहूर है, मारवाड़ मनसूबा डूबी और जयपुर डूबियो खाबा में। महाराजा माधो सिंह ने बादल महल पर धार्मिक अनुष्ठान कराया, जिसमें केवल 101 ब्राह्मणों को जीमने के लिए बुलाया था। उन्होंने कड़ा पहरा लगा दिया कि कोई लड़ाकी इसमें नहीं आ सके। घी वालों का रास्ता निवासी एक नामवर लड़ाकी ने धोती अंगरखी पगड़ी तिलक छापा आदि सामान को घड़े में रखा और ताल कटोरा के मगरमच्छों से बिना डरे तैरते हुए वह बादल महल पर पहुंच गया था। और वह पंगत में बैठा तब एक आदमी ज्यादा होने का लोगों को पता चला। सैनिकों ने कहा, अरे भाई थामस है लड़ाकी कौन छे बता दो, ठाको सारो कसूर माफ छे, नहीं मिलो नहीं बतायो तो दंड मिले लो। तब लड़ाकी खड़ा हुआ और बोला, अंधाता मैं छू जयपुर को लड़ाकी। महाराजा ने लड़ाकी के साहस की सराहना करते हुए कहा कि तू बादल महल में जहां मगरमच्छ है उनमें से तू तैर करके और यहां तक आ गया केवल जीमने के लिए। ये करते हुए महाराजा माधो सिंह ने 101 मोहर के साथ खो नगोरियन के पास एक गांव जागीर में दिया और ये भी फरमान जारी कर दिया कि अब लड़ाकी के जीमने पर जयपुर में कोई रोक नहीं रहेगी। सर्वोदय नेता जवाहरलाल जैन ने लिखा है कि नामवर लड़ाकी को 250 शेरे 5 शेरे और उमराव पद से अलंकृत किया जाता था। लड़ाकी घर पर यदा कदा ही भोजन करते थे। शादी मोसर में वे 10 मील तक बिना निमंत्रण के जीमने चले जाते थे। जयपुर के लड़ाकियों को यहाँ तक पता होता कि कहाँ भोजन है और उसकी पुख्ता जानकारी उनको रहती थी। गायन अखाड़ा के बाबूलाल सैनी ने बताया था कि कई लड़ाक जीमण के काम में हाथ बटाते और जीमने के बाद घंटों पानी नहीं पीते। अंगरखी में रखी लुटिया से केवल कुल्ला करते। बड़ी जीमणारों में तख्ते पर बैठे पंच लड़ाकियों पर निगाह रखते थे। फिर बाद में लोगों ने परेशान होकर टिकट से जीमण कराने का शुरू किया, तब भी लड़ाक वहां पर पहुंचाते थे। स्वर्गीय प्रहलाद महाराज जयपुर के थे, बड़े कवि थे, जिन्होंने लड़ाकियों पर कई तरह की कविताएं सुनाई थी।